नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद राहुल गांधी ने मांगी बिना शर्त माफी। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चौकीदार चोर है वाले बयान को लेकर दायर अवमानना याचिका पर राहुल गांधी ने बिना शर्त माफी मांग ली है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दायर कर माफी मांग ली। इससे पहले राहुल गांधी ने बयान पर माफी नहीं मांगी थी, बल्कि खेद जताया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। अमित शाह का दावा, पश्चिम बंगाल में जीतेंगे 23 सीटें। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया है कि बीजेपी को इस बार पिछली बार की 282 सीटों से ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि अब की बार बीजेपी का प्रभाव उन राज्यों में भी बढ़ेगा जहां अभी तक सीमित प्रभाव था। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से भाजपा को कम से कम 23 सीटें मिलेंगी। शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जय श्री राम कहने पर गाली और जेल मिलती है। दंतेवाड़ा में 2 नक्सली ढेर, ऑपरेशन में महिला कमांडो भी शामिल। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में DRG और STF की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया। इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में महिला कमांडो भी शामिल रही। इन्हें दंतेश्वरी लड़ाके नाम दिया गया है, जो राज्य की पहली महिला डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की टीम है। इसमें नक्सल काडर या फिर सरेंडर किए हुए नक्सलियों की पत्नियों को भी शामिल किया गया है। इस टीम में कुल महिलाएं हैं। मुंबई में बड़ा हादसा टला, रनवे पार कर गया वायुसेना का विमान। मुंबई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। उड़ान भरते वक्त वायुसेना का विमान रनवे को पार कर आगे निकल गया। ये विमान बेंगलुरु के लिए उड़ान भर रहा था। इस हादसे की वजह से 50 विमानों पर असर पड़ा। कुछ विमानों के समय में बदलाव किया गया तो कुछ विमानों की उड़ान रद्द कर दी गई। एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा कि वायुसेना का AN-32 विमान रनवे 27 पर ओवर रन कर गया। भारत और फ्रांस के बीच सबसे बड़ा नौसैनिक युद्ध अभ्यास जारी। भारत और फ्रांस के बीच गोवा के तट पर इन दिनों साझा नौसैनिक युद्ध अभ्यास वरुण चल रहा है। दोनों देशों के बीच अब तक का ये सबसे बड़ा नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। यह युद्ध अभ्यास 10 मई तक समुद्र में चलेगा। इसमें फ्रांसीसी विमान वाहक पोत चार्ल्स द गाल, 2 विध्वंसक पोत और एक परमाणु पनडुब्बी शामिल है, जबकि भारत की ओर से INS विक्रमादित्य, INN तरकश शामिल है। लाहौर में सूफी दरगाह के पास धमाका, 4 सुरक्षा कर्मियों समेत 5 की मौत। पाकिस्तान के लाहौर में सूफी दरगाह के पास हुए धमाके में 4 सुरक्षा कर्मियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी सूफी दरगाहों में से एक 11वीं शताब्दी की दाता दरबार दरगाह में प्रवेश द्वार के पास धमाका हुआ। इस दरगाह को 2010 में भी टारगेट किया गया था, जब 40 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका के स्कूल में गोलीबारी, 8 छात्र घायल। अमेरिका का कोलोराडो एक बार फिर गोलीबारी से सहम गया। डेनवर के एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 8 छात्र घायल हो गए, जबकि पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का मानना है कि हमलावर स्कूल में ही पढ़ने वाले छात्र हैं, जिसमें से एक वयस्क है जबकि दूसरा किशोर। फायरिंग के दौरान 850 छात्र स्कूल में मौजूद थे। 2 बंदूकधारियों ने 2 क्लास में घुसकर फायरिंग की। वोडाफोन मुफ्त में देगा प्रीपेड 4G सिम कार्ड। वोडाफोन नए ऑफर के तहत यूजर्स को प्रीपेड 4G सिम कार्ड मुफ्त देगा। ये ऑफर सिर्फ नए प्रीपेड सब्सक्राइबर के लिए है। वह यूजर्स को अपने नाम को रजिस्टर करने के लिए 239 रुपए का प्लान खरीदना होगा। ऐसा वोडाफोन की वेबसाइट से कर सकते हैं। इस प्लान में रोजाना 1.5 GB डेटा, अनलिमिटेड लोकल और STD कॉल और SMS की सुविधा मिलेगी। एलिमिनेटर मुकाबले में आज भिड़ेगी दिल्ली और हैदराबाद की टीमें। IPL के एलिमिनेटर मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में आमने सामने होंगे। ये मैच हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम का फाइनल के लिए क्वालिफायर 1 में हारने वाली टीम से 10 मई को मुकाबला होगा। हैदराबाद को पिछले साल फाइनल में चेन्नई के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। गदर के सिक्वल में फिर गरजेंगे सनी देओल। सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर में उनके अपोजिट अमीषा पटेल नजर आई थी। अब चर्चा है कि इसका सिक्वल बनने जा रहा है। पिछले 15 साल से इसकी कहानी पर काम चल रहा था। पहली फिल्म जहां पर खत्म हुई थी, वहीं से नई फिल्म की कहानी आगे बढ़ेगी। यह सनी देओल यानी तारा सिंह, अमीषा पटेल यानी शकीना और उनके बेटे जीत की कहानी होगी। गदर के सिक्वल में भी पुरानी स्टार कास्ट ही नजर आएंगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।